विधायक प्रतिनिधि राजकुमार गुप्ता ने मेदिनीनगर नगर निगम में करोड़ों की लागत से नाला निर्माण में घोर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। नगर आयुक्त से भी मामले की शिकायत कर जांच की मांग करने की बात कही। राजकुमार गुप्ता उर्फ ट्विंकल गुप्ता ने बताया कि लोगों की शिकायत पर निर्माण स्थल पर वो पहुंचे, वहां निर्माण कार्य में अनियमितता देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह नाला 1,18,00,000 की लागत से 2200 फीट निर्माण कराया जा रहा है। कुंड मोहल्ला पनेरी गली से पहाड़ी मोहल्ला होते हुए कोयल नदी तक हो रहे नाला निर्माण में घोर अनियमितता बरतने और विभागीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए ट्विंकल गुप्ता ने कहा कि नगर आयुक्त से इसकी शिकायत कर ऐसे निर्माण कार्य को रोकने की दिशा में वो पहल करेंगे। कुछ लोगों ने मुझे, स्थानीय यहाँ के लोगों ने मुझसे आके मिला और कहा कि जो ये नाला का काम हो रहा है बहुत ही खराब हो रहा है। उनके कहने के अनुसार फिर मैंने देखा, पहले भी देखा था तो स्थानीय जय को मैंने बताया था, कुछ कुछ जगह पर उन्होंने पहले सुधारा था, लेकिन फिर उन लोगों का वही हरकत रहा, वही नाली के ऊपर ही जो है कचरा के ऊपर बालू डाल के उसी के ऊपर सीमेंट खड़ी छिड़क दे रहे हैं, और जो डिप करना चाहिए था वो डिप नहीं हो रहा है, हाइट हो रहा है। क्योंकि इसके बनने से हाइट जो हो रहा है तो पीछे वाला जो नाली है, जो मोहल्ला है, वो जो पानी जो आएगा तो ऑटोमेटिक फिर पानी बैक करेगा। इसकी ढलैया करनी है हमको, जहाँ तक उम्मीद है कि नीचे सोलिंग करें, ढलैया उसको 4 इंची करनी है। अच्छा, 4 इंची माने रखता है, जो कि कहीं पे 1 इंची 2 इंची भी नहीं है। अभी हमारे नए नगर आयुक्त आए हैं, मैं चाहूँगा उनसे भी, अभी मैं उनको लिखित पार्टीशन दूंगा, क्या समझे, उसके बाद जो है इन पर मैं चाहूँगा कार्रवाई हो, क्योंकि ये सरकारी पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। नगर निगम बनने से निगम में फंड की कमी नहीं है, जहाँ जहाँ नगर निगम बनी वहाँ वहाँ फंडिंग आती ही है, लेकिन फंड को अच्छे से इस्तेमाल करना, धरातल पर उतारना और काम अच्छा करना, ये बहादुरी है। ये नहीं कि करोड़ रुपया आया और करोड़ रुपया का टेंडर निकाल दिया और काम हो गया, और उसके बाद वो काम 2 महीना बाद देखिएगा कि रोड खराब हो गया, नाली खराब हो गया। तो ये फंड का मिसयूज मैं नहीं होने दूंगा। नाला निर्माण कार्य से आसपास के लोग भी आक्रोशित दिखे। निर्माण कार्य में जहां घोर लापरवाही का आरोप लगाया, वहीं खुद की परेशानी को भी बयां किया। क्योंकि बहुत सबको क्षति करके नाली बना रहे हैं, किसी को माने न सफाई कर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, उसी पर नाली बनाए जा रहे हैं, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, न बढ़िया मसाला दे रहे हैं नीचे, और अगल बगल जो है सो सबको पाइप काट दे रहे हैं, किसी को नाली जाम कर दे रहे हैं, किसी का नाली में पाइप में कपड़ा ठूस दे रहे हैं, और निकालने के लिए कहिए तो निकाल ही नहीं रहे हैं। कम से कम जो पहले का था वो लेवल तो कम से कम होना चाहिए, गाढ़ा मत करवाइए, कचरा तो निकल जाना चाहिए।